केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। इन दिनों चुनाव का समय चल रहा है। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। वहीं नामांकन की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है, तो प्रत्याशीगण अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के लिए घर घर लोगों से मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता के साथ इस वक्त है कुलदीप पासवान, जो है निवर्तमान वार्ड पार्षद, सहभावी पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 25 नगर परिषद बांका के हैं, जो बांका जिला बिहार में है। तो आइए हमारे संवाददाता के साथ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ वो तैयारी के साथ चुनाव में उतरे हैं, किन पक्ष को लेकर वो तैयारी किए हुए हैं और किन विकास की बात वो करते हैं और क्यों वो चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। आइए देखते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। वार्ड नंबर 25 में, यहाँ पे मेरी मुलाकात निवर्तमान वार्ड पार्षद सह वार्ड पार्षद प्रत्याशी कुलदीप पासवान जी से हुई। इन्होंने देश की सेवा लगातार 35 वर्षों तक किया, अब समाज की सेवा में कर रहे हैं। पिछले पांच साल से समाज को सेवा दे रहे हैं। इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इनकी रणनीति क्या है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप चुनावी मैदान में हैं, पहले आप ये बताएं अपना पिछला कार्यकाल कैसा रहा? हम तो पहले अपने रीजन में, जब हम जनता हमें वोट देकर जीत की घोषित की, तो मैं सोचा कि मेरा जो कर्तव्य होता, मैं तो पहले सरकार की सेवा में था। सरकार की सेवा में बड़ी धूमधाम से किए, जिससे हमें सरकार की राष्ट्रपति पुरस्कार से घोषित किया गया जी। और अच्छे से पुलिस विभाग में रह करके अच्छे क्रियाकलाप से करके, मतलब आपका सेवानिवृत्त किए। सेवानिवृत्त के बाद जो है, मैं अपने नामांकन दिया। आने बाद कुछ यहाँ के देखे कि कुछ ऐसे ऐसे कुछ काम है, बहुत ऐसा काम है जो कि मुझे करना चाहिए जी। इस काम को करने के लिए मैंने ये चुनाव के लिए तैयार हुआ वार्ड पार्षद के लिए, जिसमें जनता हमारी माताएं बहनों ने सभी में वोट दे करके वार्ड पार्षद के लिए मनोनीत किया गया जी। तो मनोनीत करने के बाद हमने सोचा कि जहाँ पे पहले कठिनाई होती, जहाँ पे दिक्कत हो रही है माताएं बहनों को चलने के लिए, वहाँ पे पहले रोड और नाला, यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल में जो पढ़ाई होती है, वहाँ के बच्चों के लिए सफाई सुथरा, वहाँ के शिक्षकों को और शिक्षिका को भी जाके बताए कि देखिए पढ़ाई लिखाई आप सबके बच्चों के ऊपर सारी निर्भर रहता है, क्योंकि माँ पिता के नजदीक मात्र रात भर या दिन भर नहीं रहते हैं, आपके पास 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक बच्चे रहते हैं, उसको कैसे चलाना, कैसे पढ़ाना लिखाना, ये आपका उत्तरदायित्व होता जी, है जी, जी। इसलिए हम ये सब भी बहुत जगह बताए, जैसे कि आपका किसी को, गरीब को ये मकान के लिए जो आवास योजना जो मिला है, मैंने बहुत को आवास योजना भी दिलाया। लगभग कितना दिया होंगे सर? लगभग 15-16 हमारे यहाँ आवास योजना का जी, ही है जी। जो कि अभी कुछ अधूरा पड़ा हुआ है, कुछ लोग ने बना लिया है जी, जी। जो बना, एक कम बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि, ये बहुत बड़ी सरकार की योजना को हम फेल नहीं करूंगा जी जी। चाहे जो भी हो, सरकार हमें योजना दिए है कि चलो जनता की सेवा करो। जनता की सेवा करने के लिए हर वक्त हम तत्पर लगे रहते हैं। बहुत अच्छी बात सर, दिखता भी है, समाज सेवा दिख भी रहा है सर। सड़कें कितनी बनी होगी? सड़कें तो आपको पहले आपका ये आपका पेट्रोल पंप जो है लगभग 8 बनी होगी। हाँ, लगभग उतना ही बना है जी जी जी। और यहाँ से सरस्वती विद्या मंदिर, शिशु मंदिर तक जो है, ये पानी का बहुत जमा हो जाता था जी, उसमें भी फिलहाल नाला दिया गया है जी। हम माननीय मंत्री महोदय नारायण बाबू से भी रिक्वेस्ट किए थे कि सर ये रोड जो है नगर पालिका इतना नहीं बना सकते, श्रीमान आपके द्वारा सौजन से ये बना दिया जाए। तो उन्होंने भी हमको कहा कि ठीक है, होगा, अभी हम फिलहाल ये दिए हैं। फिर वो गरीब में, जैसे कि रोड में लोग कीचड़ में चलते थे, वहाँ पे नाला दे दिए, फिर आवास स्थान से लेकर के उधर तक, जो कि साक्षात सबको, जनता को नजर आ रही है जी, जी, जी। इसमें हम अपने मुखारबिंद से जो भी बोल रहे हैं
वो प्रत्यक्ष जनता के नजर में आ रही है। जैसे कोरोना काल आया, कोरोना काल के रीजन में मैंने अपने संग हर जगह घूम करके रोड नाला सफाई सुथरा छिड़काव करना ये सब स्वयं हमरा करके करते थे। बहुत क्योंकि हमारी जनता जानती हो कि जनता भी बता सकती है कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। सर इस बार जीतेंगे, जीतना तो है ही क्योंकि पिछला कार्यकाल बोलता है, तो क्या क्या काम करेंगे सर? हम तो कह अभी आप बोले सर कि जीतना ही है, लेकिन ये हम कैसे कन्फर्म कहेंगे सर? ये हमारी जनता को मैं पहले स्वयं प्रणाम करता हूँ, माता बहनों और भाइयों को सबों को, कि अगर वो हमें चाहते हैं तो हमें फिर से अगर वो जिताने की इच्छा रखते हैं तो मैं जीत सकता हूँ जी। मैं ये नहीं कर सकता हूँ जी, लेकिन ये हम ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने समाज से समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये तो हमारे लिए समाज सेवा जाए, यहाँ हम करेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे जी जी, कि जनता की सेवा हम कैसे करेंगे, हम देश की सेवा कैसे करेंगे। ये मैं तो खैर अपने पुलिस विभाग में रह कर करके और अभी हम देखते हैं कि हम स्वस्थ और स्वस्थ हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि समाज का सेवा करूँ। जिस तरह मैं देश की सेवा के लिए तत्पर लगे रहते थे उस तरह मैं जनता की सेवा करने के लिए इस पर तैयार रहता हूँ और रहूँगा हर वक्त जी। सर हम बात करते हैं यहाँ पे महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाइएगा? हाँ अब रही देखिए सर, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब तक मेरी माताएं बहने जब तक वो अपने तत्पर खड़े नहीं रहेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। हम तो प्रेरित करेंगे उनको आगे बढ़ने के लिए जी। कैसे आपको चलना है उसको उस हिसाब से हम लेके चलेंगे। बहुत अच्छी बात सर। और ये तो महिला को तो संग अपने आप पर एक्टिव रहना चाहिए जी। कि मैं क्या हूँ, अपने कर्तव्य को मत भूलो महिला बहनों लोग, अपने कर्तव्य अपने आपका जो सरकार ने मान्यता दिया है पुरुष हो या महिला सभी एक समान होते हैं जी जी जी। इसलिए किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो गलत करता है उसको गलत करना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। ये नहीं कि जो गलत नहीं है अब उसको जो गलती क्या है जो नहीं गलती क्या उसको दोषी ठहराइए, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये न सरकार कहता है न कहेगा कभी। और सब आप सब तो खैर क्या है सर, एक सवाल यहाँ की जनता को संदेश क्या देना चाहते? यहाँ की जनता को हम संदेश देना चाहते हैं सर कि हम तो जीते हैं या हारे वो अपने जगह पर है। अगर जनता हमें जिताती है तो ताकत हमें मिलेगा, अगर हार जाते हैं तो हमें थोड़ी ताकत मिलती है। मैं तो सेवा करता ही रहूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने आपकी सोच है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलदीप पासवान हूँ, निवर्तमान वार्ड पार्षद अभी। हाँ अभी वर्तमान में वार्ड पार्षद हूँ। और अभी फिर से चुनाव आप लड़ रहे हैं? हाँ चुनाव तो लड़ रहे हैं सर, आप भी तो आए हुए हैं। हम अभी भी जैसे हम भी ये देखिए मेरा गांव है रोड है, जब हम चलते हैं रोड पर मुझे भी शर्म आती है जी जी, जी। मैं देखता हूँ कि ये अगर कहीं पत्ता गिरा हुआ या कोई खाकर बच्चे लोग तो खाए देखिए गुटका तिरंगा निकला हुआ फेंकता तो मैं स्वयं उठा के कहते हैं इसको इसमें फेंक दो बाबू कचड़े में, ताकि गंदा नहीं रहना चाहिए। सफाई पे ज्यादा ध्यान रहता है, सफाई सुथरा सफाई रहेगा तो तब में सब चीज सफाई रहेगा सर। अगर ऊंचा सोच रखेगा तो विचार ऊंचा ही रहेगा। पढ़ाई लिखाई से मैंने सबको सबको कहते हैं जी 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 कि आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का बहुत जरूरी है जी जी जी। जहाँ शिक्षा नहीं होगा वहाँ को आगे नहीं। आप हम कहेंगे आम लिख रहे हैं लिखे नहीं पाएगा तो क्या समझेगा सर जी जी जी। इसलिए सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन रिक्वेस्ट है, सिर्फ गांव की नहीं पूरे वासियों को हम कह रहे हैं, सबके लिए हम ये चाहते हैं कि आवाज जो है कोई ऐसा शब्द मुंह से मत निकालिए जो कि किसी को गंदा महसूस हो जी जी। जैसे हमें भी चलना है सर, कभी बस पे चलते हैं ट्रेन में चलते हैं वहां में आपको शालीनता पर रहना होगा, मुंह से ऐसा शब्द ना निकाले जो कि किसी को गंदा महसूस सुनने में लगे, ताकि आपको कौनाम सनाप ना पके। बहुत अच्छी, जब आप सुरक्षित रहेंगे तो दुनिया हमारी देश सुरक्षित रहेगा सर जी जी जी। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी सोच लेके आए आपने। देखा जो हमारे पार्षद के प्रत्याशी हैं यानी वर्तमान वार्ड पार्षद हैं, इनकी सोच कितनी अच्छी है। इनका कहना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए सबसे पहले शिक्षा पे काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, क्योंकि देश की सेवा लगातार किए और समाज की सेवा में बने हुए हैं। जनता जनार्दन से इन्होंने यही संदेश दिया जनता जनार्दन को कि स्वच्छ आज छवि के लोगों को चुने, घुसखोर लोगों को नहीं। बाकी देखते हैं
जनता मालिक है, जनता भगवान है, इनको कहां तक समर्थन करती है, कहां पे बैठाती है। फिलहाल बने रहे कलाचा टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, धक्का सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।